ये मैंने 2 कप साबूदाना लिया था और 3 से 4 घंटे फिलो दिए। इस तरह से हो गई है। जिस कटोरी साबूदाना लिया उसी कटोरी से फली दाना लेंगे, आधी कटोरी। एक आलू, कच्चा आलू है, हरी मिर्ची, जीरा, सेंधा नमक। तो फिर चलिए बनाते हैं। आलू को पतला पतला काट लीजिए। इस तरह से काटना है आलू को, सारे आलू काट दीजिए। साबूदाना खिचड़ी का बनाने का एकदम नया तरीका बताऊंगी, जिससे आप साबूदाना को एक एक खिचड़ी गिन सकते हैं। साबूदाना एकदम खिले खिले साबूदाना बनेंगे और खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप बस एक बार बनाएंगे तो हमेशा ही इसी तरह की फरमाइश होगी कि इसी तरह से बनाइए। मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, साबूदानों को हल्का दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए इस तरह से पीसना है, छिलके सहित पीसेंगे फली दाना को। तो फिर चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में लीजिए इतना ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, डालिए जीरा, ऑयल गर्म हो गया डालिए जीरा, हरी मिर्ची, आलू डालिए, आलू डालकर फ्राई कर लीजिए। गैस की आंच को धीमा ही रखना है। डालिए साबूदाना, डालिए साबूदाना पूरा जगह डालिए मैंने। इसे हिलाइए साबूदाना को, फलीदाना को हिलाइए। अभी मैं अच्छे से फ्राई करना है फलीदाना। फलीदाना फ्राई हो गया, डालिए नमक स्वाद अनुसार, डालिए साबूदाना। गैस की आंच को धीमा ही रखना है। और देखिए इस तरह से खिले खिले साबूदाना की खिचड़ी, आप एक एक साबूदाना गिन सकते हैं। बस फली दाना को क्रश करके डालें और साबूदाना खिचड़ी, खिले खिले साबूदाना खिचड़ी बनेगी। और जब भी बनाएं इस तरह से बनाएं। क्या आप साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं और चिपची भी बन जाती है खिचड़ी, खिली खिली नहीं बनती और खाने में इतना सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। बस एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। देखिए गैस बंद कर दीजिए और ये बन गई साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी। और ये बन गई साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी। बनाइए अब इसी तरह से झटपट से।